नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आज आपको ऐसी वारदात से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने फिर साबित कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। महिलाएं ना बाहर सुरक्षित ना घर में, यहां तक कि स्कूल में जाकर अपना भविष्य संवारने के सपने देखने वाली मासूम बच्चियां शिक्षा के मंदिर तक में महफूज हैं। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा समाज महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ताजा मामला है शिक्षा के मंदिर में हुई दरिंदगी का। उचाना के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ने मर्यादा और इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। ये दरिंदा प्रिंसिपल पिछले कई सालों से मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करता था। स्कूल का प्रिंसिपल 9वीं-10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाता था, जहां ये दरिंदा उनके साथ गलत हरकतें करता था। लड़कियों के शरीर को छूता था, जबरदस्ती गोदी में बिठाता था और इसके अलावा उन्हें गले तक लगाता था। लड़की विरोध करती तो उसे फेल करने की धमकी देता। प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर में काले शीशे लगवा रखे थे, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था और अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी को मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन आरोपी बाहर की हर हलचल पर नजर रखता था। प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर एक लड़की ने 30 सितंबर को सुसाइड कर लिया। हालांकि इस पर अभी तक ना बच्ची के परिवार ने चुप्पी तोड़ी और ना पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है। जैसे आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल की गंदी बातों का सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन आखिरकार बच्चियां कब तक इस तरह अपनी इज्जत तार तार होते खुटती जीती? कितनी बच्चियां प्रिंसिपल की दरिंदगी से तंग आकर स्कूल छोड़कर घर बैठ गई। लेकिन इन्हीं में से 15 पीड़ित बच्चियों ने हिम्मत दिखाई और इसी साल 2 अगस्त को 5 पन्नों का एक लेटर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महिला आयोग को लिखा, जिसमें प्रिंसिपल की करतूत का काला चिट्ठा था। कैसे मासूम बच्चों के शरीर के साथ प्रिंसिपल खेलता था, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिंसिपल की दरिंदगी का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस दिया, पुलिस को जांच के लिए कहा। जांच शुरू हुई तो स्कूल की 142 लड़कियों ने बताया कि प्रिंसिपल करतार सिंह ने उनके साथ अश्लील हरकतें की। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने डीजीपी और राज्य के होम मिनिस्टर को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा तो कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने 4 नवंबर को आरोपी प्रिंसिपल को मथुरा हाईवे से अरेस्ट भी कर लिया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी के रिपोर्ट में प्रिंसिपल दोषी पाया गया है। एक कमेटी हमने एसडीएम उचाना के अध्यक्षता में बनाई थी, जिसमें डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर उसके मेंबर थे। इस कमेटी ने गहन जांच की है। इसमें करीब 390 के आसपास जो बयान टोटल लिए गए थे, जिसमें से 140 से ज़्यादा कुछ बयान है, 142 बयान है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो उसकी जो प्रिंसिपल जो दो जिस अक्यूज है उसके खिलाफ कुछ दोष सिद्ध होता है। ये प्रिलिमिनरी जांच थी, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है और ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनको जांच भेजी भी जा चुकी है। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक नियमित जांच करने का भी रूल 7 में हमारे पास आदेश प्राप्त हो चुका है, जिसमें हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जीन जो है वो इसको नियमित जांच को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। देखिए, इसमें एक जैसे मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्योंकि पुलिस एक्शन जो है क्रिमिनल एक्शन, तो एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। पोक्सो एक्ट के कुछ एक उसमें प्रावधान, उसमें जो है धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो प्रथम दृष्टिया से दोषी साबित किया हुआ है। एक नियमित जांच के बाद ही फिर इसमें हम कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि वो जो रिलेवेंट कंडक्ट रूल्स हैं उसमें कौन सी पेनल्टी फिर इम्पोज की जाए। हाँ जी, एडीसी जीन इसमें जांच अधिकारी रहेंगे। अभी तक जो प्राइमा फेसाई जो सामने आया है, जो मुख्यतः इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और जो अभी तक की जो हमारी पास जो स्टेटमेंट प्राप्त हुई है, जो करतार सिंह हैं इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट अभी आ रही है सामने कि इनके द्वारा गलत हरकत की गई। तो सर, ऐसा कुछ सुनने में आगे पहले भी इस तरह का कोई मामला आया था? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ऑन द रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार की कोई नहीं आई है। फिर भी हम इनका प्रीवियस जो सर्विस रिकॉर्ड है वो हम देख रहे हैं और जहाँ जहाँ ये पहले पॉजिटिव रहे हैं
उस बारे में भी हम गहनता से पूछताछ करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से भी जांच की गई। इसके बाद सीएम मनोहर लाल के आदेश पर आरोपी प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दिया गया। एसआईटी मामले की जांच में लगी है। इस एक्शन से पहले क्या हुआ आपको बता देते हैं। महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए प्रिंसिपल को अरेस्ट किया था। जिस चिट्ठी से प्रिंसिपल की घिनौनी हरकतों का पर्दाफाश हुआ, उस चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में छात्राओं ने जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पत्र में लिखा था कि कैसे प्रिंसिपल कई सालों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा है, कैसे उन्हें फेल करने की धमकी देकर वो उनको अपने ऑफिस में बुलाता है और कैसे उनसे गंदी गंदी बातें करता है, उनके शरीर पर हाथ लगाता है। पत्र में ये भी लिखा गया था कि इस काम में एक महिला टीचर उसका साथ देती थी। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में काले शीशे लगवा रखे थे जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था और अंदर से बाहर आने जाने वाले का सब कुछ पता चलता रहता था। पत्र में छात्राओं ने लिखा है कि प्रिंसिपल की इन हरकतों की वजह से कई छात्राएं इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों में जा चुकी हैं। जब हमने मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो कई और खुलासे हुए। जैसे जब आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ जांच चल रही थी, उसी दौरान आरोपी 25 अक्टूबर को 50 से भी ज्यादा बच्चियों को 3 दिन के लिए अमृतसर टूर पर लेकर गया था, वो भी बिना विभाग की अनुमति के। इस दौरान उसने बच्चियों पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया। वहीं जिस तरह से यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बाद बीच जांच कैसे प्रिंसिपल बच्चियों को ट्रिप पर ले गया बिना विभाग की अनुमति के, इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। जहां तक आरोपी प्रिंसिपल के अपराधों की बात है, यह पहली दफा नहीं था कि आरोपी ने इस तरह का अपराध किया हो। वह आदतन, जी हाँ, आदतन अपराधी है। अपनी पहली पोस्टिंग से ही प्रिंसिपल अपने आचरण को लेकर बदनाम है। आरोपी प्रिंसिपल ने उचाना कला इलाके के ही एक गांव में बतौर मुख्य अध्यापक 2008 में ज्वाइन किया था। इस स्कूल में भी बच्चियों से छेड़खानी की गई और मिड डे मील वर्कर के साथ भी गलत हरकत की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर इसका तबादला किया गया था। मौजूदा स्कूल में आरोपी 6 साल से पोस्टेड था। इनकी हरकतों के चलते स्कूल से लगभग 1000 बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। फिर से सुन लीजिए, करीब 1000 बच्चियों ने स्कूल छोड़ा है। सोचिए किस खौफ में रही होंगी ये बच्चियां। अब स्कूल में 935 लड़कियां ही पढ़ने आती हैं, जबकि पहले ये आंकड़ा 2000 के करीब था। वहीं दूसरी ओर एक और चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि आरोपी प्रिंसिपल ने अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान 2008 में भी नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन उस समय भी शिकायत देने के बावजूद आरोपी प्रिंसिपल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के बढ़ते दबाव के बीच महज तबादला करके ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब उंगली उठने लगी है। अगर उस वक्त मामले में संजीदगी दिखाई जाती तो आज इतनी बच्चियों के साथ दरिंदगी नहीं होती। आरोपी सलाखों के पीछे होता। उधर उचाना में हुई दरिंदगी मामले पर भी CWC जींद के अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवारों की काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट्स की सेवाएं ली जा रही हैं। हमें लगता है इस मामले में पीड़ित छात्राओं के परिजनों, अभिभावकों को काउंसलिंग की जरूरत है। उनसे बातचीत में मालूम हुआ कि अभिभावक जांच से बच रहे हैं ताकि आगे चलकर किसी तरह के कानूनी पचड़े में ना पड़ जाएं। साथ ही ये भी कि 60 में से केवल 5 छात्राओं ने मैजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत अपने बयान दर्ज करवाए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कैमरे पर यह बात स्वीकार करती है कि पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती। पुलिस की ढील की वजह से करतार सिंह अपने घर से भाग गया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया गया। हमने जींद के पुलिस अधीक्षक यानी SP सुमित कुमार पर दबाव बनाया, फिर कार्रवाई नहीं की गई, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस ने महिला आयोग को भी हल्के में लिया और इतने बड़े मामले में ढुलमुल रवैया अपनाया, या प्रिंसिपल को किसी की शय थी, ये बड़ा सवाल है। प्रिंसिपल अरेस्टेड है, वो बंद है, पॉक्सो एक्ट है उसके खिलाफ, और अब हम केवल दूसरी लड़की के जो टीचर का नाम सामने आया है, एक बच्ची ने लिखित में भी दिया है, मतलब एक बच्ची ने लिखा है, बाकी उसके साथ हैं उसमें, उसने प्रॉपर लिख कर दिया है कि मेरी हिस्ट्री टीचर हमारे स्कूल की, जो कि हमें प्रिंसिपल के पास ले जाती थी और हमें इस तरह से कहती थी, उसको भी
हमने कल तलब किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जल्द FIR दर्ज होगी। बच्चियों को प्रॉब्लम तो लगभग एक साल के आसपास थी, क्योंकि जो बच्चियों की शिकायत हमें टीचर के नाम से मिली है, उस टीचर के बारे में भी बच्चियों ने कहा है, जो डेट हम पढ़ रहे हैं, कि वो टीचर को यहाँ स्कूल छोड़े हुए 4 महीने हो गए, परंतु वो टीचर हमारे साथ ऐसा करती थी। यानी आज वो टीचर को छोड़े हुए 14 महीने हो गए, और जब बच्चियों ने ये पत्र लिखा था तब टीचर को छोड़े हुए 4 महीने हुए थे। इसका मतलब 1 वर्ष से ये मामला चल रहा था, लेकिन बच्चियाँ नादान हैं, उनको पता नहीं था कि हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। अल्टीमेटली उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सबको ये पत्रक भेजा, जिसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई और हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। तो आगे मैम क्या एक्शन रहेगा इस मामले को लेकर? हम हर बच्ची को आप चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आगाह करते हैं, सलाह देते हैं, जागरूक करते हैं, कहते हैं बार बार कि किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं। पुलिस प्रशासन और महिला आयोग पूरी तरह से आपके साथ है। जहाँ जहाँ पर भी पुलिस की भी ढिलाई रहती है, कार्रवाई नहीं होती या कमी रहती है, हम पुलिस के खिलाफ भी सख्ती बरतते हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है और इस पे एक्शन लेने में पुलिस की बहुत देर की है, पुलिस ने, प्रशासन ने भी। जब लड़कियों ने 31 अगस्त को लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, चीफ मजिस्ट्रेट को, सुप्रीम कोर्ट के, और मुख्यमंत्री को और महिला आयोग को, उससे पहले भी लड़कियों ने शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत को दबा दिया। 31 अगस्त को लेटर लिखने के बाद भी महिला आयोग के पास 13 सितंबर को वो लेटर पहुंचा, लेकिन 14 सितंबर को जेल प्रशासन को महिला आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लेने के लिए लिखा, लेकिन यहाँ का प्रशासन, जींद का प्रशासन सोया पड़ा रहा। 30 अक्टूबर को FIR दर्ज करी। भाई 45 दिन प्रशासन ने क्या किया? और जब 28 अक्टूबर को वहाँ पर रेड की, उस टाइम उस प्रिंसिपल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जबकि जो लेटर लिखा था उसमें बिल्कुल जो शिक्षे थे भाई, उसने काले शीशे लगा रखे है, जो भी बातें थी वो स्पष्ट हो गई थी। 28 अक्टूबर को उसने गिरफ्तार करना चाहिए था, 23 अक्टूबर को FIR, 30 अक्टूबर को FIR दर्ज करना संदेह के दिखाता है, और उसके बाद 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, उसको 28 अक्टूबर को ही गिरफ्तार करके ना, जो सबूत थे उनको, मोबाइल वगैरह था उनको अपने उसमें लेने चाहिए थे पुलिस ने, लेकिन 28 अक्टूबर से और 4 नवंबर से वो किस राजनेता के संरक्षण में रहा? ये बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आज भी खा पंचायतों के, सामाजिक संगठनों के और आम लोगों में घर कर चुके हैं कि संदेह है कि कहीं न कहीं इसका बचाव हो रहा है, और वो भी बचाव किसी राजनेता के। उस राजनेता पे क्या कार्रवाई हुई जो उसके जिन्होंने इसके साथ प्रिंसिपल, इतनी बड़ा घटना को अकेला आदमी अंजाम नहीं दे सकता, तो जो उसके सहयोगी रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई? इस प्रकार के बहुत सारे सेक्शन अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ है जो बाहर आना बाकी है। सही से इस मामले की जांच की जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाले इस मामले को जानकर हर कोई हैरान परेशान है। अभिभावक सोच में है कि अगर शिक्षा के मंदिर में बच्चियां सुरक्षित नहीं तो फिर कैसे बच्चियों को पढ़ने स्कूल भेजेंगे? कौन लेगा उनकी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी?